सबसे पहले तो नमस्कार रेडियो मेरी आवाज के सभी श्रोताओं को जो हमें अभी ऑन एयर सुन रहे हैं और उन दर्शकों को भी जो यूट्यूब पर रेडियो मेरी आवाज को फॉलो करते हैं, देखते हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांटते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जिनके व्यक्तित्व के लिए शायद अभी तक कोई शब्द न तो गढ़े गए हैं न रचे गए हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जिस क्षेत्र में उतरता है, जिस कार्य को करने के लिए शुरुआत करता है, उस कार्य को उतनी संपूर्णता के साथ पूरा करता है कि वहां किसी भी चीज की गुंजाइश खत्म हो जाती है, शब्द खत्म हो जाते हैं। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो आज हमारे बीच में है। वो फिजिक्स से यानी कि विज्ञान से पढ़ाई करके थिएटर में आए, वहां धूम मचाई, थिएटर से अब एक कवि के रूप में, एक उभरते हुए कवि के रूप में, जैसे ही उनकी पहली पुस्तक आई उन्होंने वहां देश और दुनिया में अपनी पूरी धूम मचा दी। अभिनय के बादशाह कहूं तो बिल्कुल भी कहीं इसमें कमी नहीं होगी, बल्कि इससे कहीं अधिक जब मैं नाम लूंगी तो आपको समझ आएगा कि वो व्यक्तित्व कौन है। 1990 में दूरदर्शन का सबसे चर्चित सीरियल चंद्रकांता सबको याद होगा। अगर उसमें से किसी एक कैरेक्टर की बात की जाए, आपसे तुरंत मैं अगर अभी पूछूं कि कौन सा कैरेक्टर आपको याद है, तो शायद बच्चे, बूढ़े, जवान, जो उस पीढ़ी के हैं या इस पीढ़ी के हैं, केवल एक और एक ही नाम सबके जवान पर होगा, क्रूर सिंह। बिल्कुल आज हम मिलने जा रहे हैं उसी एक शख्सियत से जो जहां भी जिस भी कार्य में उतरता है लोगों के दिल और दिमाग पर पूरी तरह से अपनी छाप, अपनी प्रभाविता छोड़ता हुआ चला जाता है और बह जाते हैं हम सब उनके किरदारों में, उनकी लेखन कला में, उनकी बातों में, उनके शब्दों में, और खो जाते हैं, किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। क्रूर सिंह से सफर जो ये शुरू हुआ, उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपने मिर्ची सेठ एक ऐसा किरदार था, आज भी जो फिल्म जगत से ताल्लुक रखते हैं हमारे ऐसे दर्शक श्रोता, वो उनको बिल्कुल बखूबी याद होगा। और उसके बाद वहां से अगर हम आगे चलते हैं तो 2008 में रावण का किरदार, हर एक किरदार जिसको आपने किया, हर एक पक्ष जिसको आपने छुआ, उसको जीवंत कर दिया, उसको अमर कर दिया। और ऐसा ही अब आपकी लेखनी ने उन शब्दों को अमर कर दिया जो शब्द एक पुस्तक में बस गए हैं, हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं, और उस पुस्तक का नाम है अखिलामृतम। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अखिलेंद्र मिश्रा जी से जो कि अपने आप में आज साहित्य जगत में पूरा नाम बनाए हुए हैं, हर जगह चर्चा का विषय है कि थिएटर से होता हुआ विज्ञान, थिएटर और उसके बाद लेखन के क्षेत्र में जब ये शख्स उतरता है तो किस तरह से अपने शब्दों से सामने वाले को भिगोता हुआ, छूता हुआ गुजरता है, इसकी एक झलक आज की इस चर्चा में हम देखने वाले हैं। तो मैं कुछ पूछना चाहूंगा जी। सबसे पहले तो सर मैं नमस्कार अखिलेंद्र मिश्रा जी को मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से चरण स्पर्श प्रणाम प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और दूसरी तरफ रवि जी हैं ओमान से, मस्कट से, मैं उनको उनको मेरा नमस्कार। आप प्रेसिडेंट हैं सीए चैप्टर ओमान के। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं अखिलेंद्र जी से मैं पूछना चाहूंगा सर, अखिलामृतम बहुत ही सुंदर नाम, पर इस नाम का, इस बुक का ये अखिलामृतम ही क्यों सर? अखिलामृतम, अखिल ब्रह्मांड का अमृत, अखिलामृतम, अखिल ब्रह्मांड का अमृत क्या हो सकता है? क्या हम अखिल ब्रह्मांड के अमृत को जानते हैं? क्या हम इस ब्रह्मांड को जानते हैं, इस सृष्टि को जानते हैं? क्योंकि हम इस सृष्टि में नहीं रहते, ये सृष्टि हमारे भीतर रहती है। इस सृष्टि के एक मिनिएचर है, हम मनुष्य एक मिनिएचर है, एक छोटा रूप है सृष्टि का। तो क्या सृष्टि का जो साहित्य है वही साहित्य हमारा भी है?
क्या हम अपने साहित्य को जानते हैं? अपने साहित्य को जानना, स्वयं को जानना, यही तो अमृत है। स्वयं को जानना ही तो व्यक्तित्व है। एक व्यक्ति अपने सारे तत्वों को जान जाए वो व्यक्तित्व है। एक व्यक्ति स्वयं को जान जाए वो अमृत है। तो ये जो पुस्तक है अखिलामृतम, ये अखिलामृतम भी अमृत ही है। अखिल ब्रह्मांड का आप देखिए, एक अमृत का कलश बना हुआ है और पीछे कैलाश मानसरोवर है। तो इसमें जितनी हैं, जितनी बातें हैं, वो अमृत ही है। और मैंने ये पुस्तक नहीं लिखी है, ये आदि शक्ति भगवती पार्वती और हमारे भोलेनाथ ने लिखवाया है। उन्होंने ही लिखा है, उन्हीं का आदेश है। और जो अखिलामृतम जो नाम मिला है, वो जब मैं एक दिन ध्यान में बैठा था तो मुझे वो नाम मिला। अरे और इसलिए नाम रखा गया है। ओके 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 सर, मैं अभी एक और क्वेश्चन आपका इससे अखिलामृतम से एकदम मेरे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया, शब्द आपकी पहली कविता अखिलामृतम की। सर आज जो हम बात करेंगे आपसे, आपकी सारी कविताओं के पीछे कारण पूछेंगे, तो आप सोच लीजिए, आपको हमने आज बहुत सारा रोस्ट करना है सर आपको आज हम पूरा परेशान करने वाले हैं सर। जो ऑलरेडी रोस्टेड है उसको क्या रोस्ट करना सर शब्द आपकी पहली कविता, सर शब्द का जो उसके अंदर था कि जब अक्षर बोध भी नहीं था मनुष्य को, तब भी शब्द आपने कहा कि सारी दिशाओं में गुंजायमान थी। सर इस कविता को, क्योंकि बिल्कुल आपने आदि मानव से भी पहले की बात आप करती है, बहुत बेसिक, कोई किसी आज तक किसी ने इसको छेड़ा नहीं है, इस पहलू को किसी ने नहीं छेड़ा, तो सर इसके पीछे क्या ऐसा रहा, आपको लगा आपका क्या वो साइंस का ब्रेन चला जो फिजिक्स आप ऑनर्स फिजिक्स हैं, और उसके बाद में आपको लगा कि शुरुआत कहां से? जी सर, देखिए ये शब्द जो है, ये शब्द से ही, ये शब्द कहां से है? नाद से। नाद ही इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। नाद, अनहद नाद, अनाहत नाद, वो नाद जो आहत ना किया जा सके जी। वो नाद जिसका हद नहीं है, अनाहत, अनहद, अनहद, अनाहत। और ये हमेशा हमेशा मां हमारे अंदर गुंजमान है, 24 घंटे हम जानते नहीं है इसके बारे में। ये नाद है, नाद वो ध्वनि जो बिना आहत के गूंजता है। ताली बजाते हैं तो ये आहत हुआ, ये आहत किया आपने। ढोलक बजाते हैं तो आहत करते हैं, हारमोनियम बजाते हैं आहत से, माउथ ऑर्गन बजाते हैं, कुछ भी गिटार सितार वीणा सब में आहत है तब ध्वनि है। लेकिन जिसमें आहत ही नहीं है वो अनाहत है, और वही सृष्टि का कारण है, और वो है नाद। हिंदी के 33 वर्णमाला में 3 ऐसे अक्षर हैं, ऐसे वर्ण हैं जो अनाहत है, अनाहत, और वही नाद है। देखिए जी, जीभ हिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हिल रहा है, नाभि से आवाज आ रही है। दूसरा है सीने से आवाज आ रही है, छाती से, हृदय से, कुछ भी नहीं हिल रहा। और तीसरा है मां, यह है मां, यह है मां, ओम,
ये है नाद और यही से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, यही है शब्द, यही है शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही सृष्टि है, शब्द ही कारक है, शब्द ही से जीवन है, जो है वो शब्द ही है और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने शब्द कविता पहली कविता रखी है इस पुस्तक की अखिलामृतम की, क्योंकि शब्द को जानना आवश्यक है। हर आदमी पक 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 बोलता रहता है, पूरी दुनिया में सब एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, अपने बारे में जाने या ना जाने, दूसरों के बारे में ज्यादा जानते हैं, बड़ा कमाल है। हाँ, दूसरों के बारे में खूब जानते हैं, अपने बारे में नहीं जानते, और पक 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 बोले जाते हैं। लेकिन बोलते कैसे हैं, क्या मनुष्य इसको जानता है कि बोलते कैसे हैं, बोलने की प्रक्रिया क्या है, नाद क्या है, श्रुति क्या है, हैं नाड़ियां क्या है, सुषुम्ना क्या है, एड़ी क्या है, पिंगला क्या है, क्या जानते हैं, नाभि क्या है, हृदय क्या है, कंठ क्या है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दंत क्या है, होस्ट क्या है, जिह्वा क्या है, नासिका क्या है, मध्य क्या है, शीर्ष क्या है, क्या जानते हैं आवाज कितने जगह से निकलती है, इसी शरीर से, ये जानते ही नहीं और पक 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 बोले जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष को, विपक्ष पक्ष को एक दूसरे पे आरोप कर लगा रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। अब बड़ा मजा आ रहा है, अरे वाह फलना ऐसे किया, अच्छा मैं भी ऐसे करूं, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन बोलते कैसे हैं, याद रखिए जो भी हम बोलते हैं वो पूरे सृष्टि में घूमता रहता है, इस ब्रह्मांड में, इस आकाश गंगा में। शब्द ही ब्रह्म है, नक्षरती अक्षरा, अक्षर का विनाश नहीं होता, क्षय नहीं होता, ये घूमता रहता है और एक न एक दिन आके टकराता है आपसे फलीभूत होके, क्योंकि जैसा बुरा बुरा आपने बोला है वो बुरा बुरा फलीभूत होके आप ही के पास बाउंस बैक होता है और आपके साथ ही घटना घट जाती है। और आप कहते हैं अरे मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अरे ससुर तुम ही ने बोला था ये सब बात। याद करो जो तुम बोले हो बक 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 दूसरों के बारे में, दूसरों के बारे में जो विचार रखे हो, जो बोले हो, जो शब्द निष्कासित किए हो, जो विचार उत्पन्न हुआ है तुम्हारे हृदय में, जो रेडिएट किया है तुमने ऊर्जा, वही वापस आ रहा है, वही वापस आता है। यही सृष्टि का नियम है, यही प्रकृति का नियम है, क्योंकि ये है, ये थॉट यही से विचार से ही शुरू होता है। जैसा विचार क्रिएट करेंगे आपका मन मस्तिष्क वैसा होगा, जैसा विचार आप दूसरों के लिए रेडिएट करेंगे दूसरे आपके लिए वैसा ही होंगे, जैसा विचार से आप काम करेंगे आपका काम वैसा ही फलीभूत होगा, जैसे विचार अपने आसपास क्रिएट करेंगे आपकी दुनिया भी वैसे ही होगी। आप ही के हाथ में स्वर्ग बनाना, आप ही के हाथ में नर्क बनाना, ये कहीं और नहीं है। इसलिए हमने शब्द का वर्णन किया है ताकि अनजान और अनभिज्ञ ज्ञानी समझ सके कि शब्द क्या है, बिना मतलब के पक 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 न करें। जी जी सर, इसी 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 जैसा अभी आपने कहा कि अध्यात्म की बात हुई, चेतना की बात हुई, तो सर चेतना आपकी कविता जहां आंतरिक ऊर्जा ये भी शब्दों से ही मिलके बनी है, तो सर वो आपकी आपने चेतना को ऊर्जा को जागृत करके परमात्मा पे पहुंचने का एक तरीका बताया। सर मैं चाहूंगा कि सर कोई एक कविता, कोई भी, मैं चाहूंगा कि सर चेतना का एक पार्ट कोई आप हमारे को सुनाएं, लोगों तक पहुंचे। बड़ा सही अमित जी, बहुत सही कविता चुना है आपने, है जी, बहुत सही। चेतना अभी निकालता हूं मैं, चेतना कविता कहाँ है भाई, चेतना, अरे
कर्म धर्म के बाद है सर, विद्या कर्म धर्म उसके बाद में आ गया, मिल मिल मिला 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 चेतना जी, जीवन का मूल चेतना, मानव के रोम रोम में गुंजायमान चेतना, कण कण में विद्यमान चेतना, मन के मनन चिंतन का आधार चेतना, उच्चतर मन, प्रकाशित मन, संबद्ध मन, अति मन, इन सबसे ऊपर का स्तर है चेतना। चेतना बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अति मानवीय चेतना असाधारण विकसित स्तर का शीर्ष स्तर है चेतना। मनुष्य अनभिज्ञ है, मनुष्य अनभिज्ञ है, हर मनुष्य में विद्यमान है अति मानवीय चेतना। चेतना जी 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 वाह वाह। अथा शक्ति से पूर्ण यह चेतना, अब बुद्धि नहीं, अब बुद्धि नहीं, विकास का कर्म क्षेत्र है चेतना। सर पूर्ण पूर्ण मानवीय विकास है चेतना, पूर्ण मानवीय विकास है चेतना, सुसुप्त अवस्था में चेतना जी। करना है मानव को विकास तो करना होगा चेतना को जागृत। आत्मा की गहराई में उतराती चेतना, देवत्व को उजागर करती चेतना, उत्थान की सीढ़ियां चढ़ती चेतना, पूर्ण योग अवतरित कराती चेतना, सामान्य को असामान्य बनाती चेतना, देवमय वातावरण सजाती चेतना। जहां हो वही स्वर्ग का अनुभूति कराती चेतना। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जहां हो वही स्वर्ग की अनुभूति कराती चेतना, अंतर जगत की देवी है चेतना, मन के विकार को समाप्त करती चेतना, वासनाओं की मलिनता को साफ करती चेतना, मन का सुंदर धवल रूप प्रकट करती चेतना, अंतर्दृष्टि अंतर चेतना का सामंजस्य ईश्वरीय अंश है चेतना। अरे वाह, अंतर जगत, अंतर जगत वाह जगत का अवलोकन का आधार है उच्च स्तरीय चेतना। अंतर जगत वाह जगत का के अवलोकन का आधार है उच्च स्तरीय चेतना। विज्ञान में भी प्रवेश कर गई आत्मचेतना जी, विज्ञान में भी प्रवेश कर गई आत्मचेतना। पदार्थवादी विज्ञान चेतनावादी हो गया। बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल। पदार्थवादी विज्ञान चेतनावादी हो गया, पदार्थ में जगत का ज्ञान कराती चेतना, पदार्थ के रूप का निर्णायक तत्व है चेतना जी जी। बहुत भारत के, भारत के ज्ञान विज्ञान की गूढ़ चिंतन है चेतना। भारतीय अध्यात्म को जानना है चेतना, भारतीय अध्यात्म को जानना है चेतना, भारतीय अध्यात्म से जुड़ना है चेतना, आत्मशक्ति को जागृत करना है चेतना, आत्मचेतना के प्रकाश को, आत्मचेतना के प्रकाश को
प्रदीप्त करना है चेतना, चेतना साक्षात्कार है चेतना, मानव को चैतन्य बनाती है चेतना। चेतना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। सभी कविताएं, और यहाँ जैसे ही भारत शब्द का मैंने सुना इस्तेमाल, तो आपकी कल की जो आपने एक कोटेशन लिखी है, जो भारत का जो मतलब, मैं आप दोनों से, रवि जी से और अमित जी से बताना चाहूंगी कि भारत शब्द की व्याख्या अगर किसी ने बहुत बेहतरीन तरीके से, और मैं कहूँ कि बिल्कुल अलग परिपेक्ष में अगर की है, तो अखिलेंद्र मिश्रा जी ने कल लिखा कि भाव मतलब है प्रकाश, और भारत यानी कि जो प्रकाश में रत रहे, ऐसा देश, ऐसा समाज जो है वो भारत कहलाता है। तो आपकी हर चीज जो है वो बहुत पूर्ण परिभाषा लिए होती है, बहुत पूर्ण मतलब लिए होती है, तो आपकी हर कविता इसी तरह से रहस्य को अपने अंदर छिपाए हुए है, और इन रहस्यों को जानने के लिए बिल्कुल ठीक आपने कहा, पहली कविता शब्द को पढ़ना। मैंने अभी अभी एक चीज देखी, जो आज की तारीख की, जो आज की पौध है, जो आज के बच्चे हैं, अगर उनसे बात करो कविता के बारे में, तो उनको एक शब्दों का केवल एक ऐसा रूप दिया जाता है जो कि एक तरीके से मिलान करके दिए जा रहे हो, बस शायद उनके पीछे, हाँ मतलब वो गहराई शब्दों को, हर शब्द का एक अलग मतलब निकल रहा है। चैतन्य करने के लिए चेतना आदमी को, मतलब अगर इस अकेले इस सेंटेंस के ऊपर आप बात करें, तो मेरे ख्याल से कम एक 10 पन्नों का एक पूरा वो लिखा जा सकता है, क्योंकि एक एक लाइन में कितनी गहराई है। आप तभी, मैं इस कविता से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था, बल्कि मैं एक कविता और जो नारी के ऊपर लिखी थी, और अभी सर ने जैसे अभी बात करी, नवयुग कविता कौन सी ऐसी नहीं है, ब्रह्मा के बारे में हमने बात करी, कौन सी ऐसी कविता। रवि जी, मैं चाहूंगा कि आप कुछ पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपने मेरे से स्पेशली कहा था कि आप बहुत बड़े फैन रहे और आपको बहुत कुछ पूछना है अखिलेंद्र जी से, तो कविताओं पे तो मैं जिक्र करता रहूंगा, तो रवि जी आपका अपना क्वेश्चन। नमस्ते सर। एक्चुअली मैंने तो ये आपको कभी भी ना पॉजिटिव रोल में देखा नहीं सर, हमेशा ना नेगेटिव रोल में देखा। और अभी क्या बात कर रहे हैं आप, एक मिनट, आपने लगान नहीं देखी सर? लगान में भी वो नेगेटिव जैसा ही था, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रोल था। आपने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी? चंद्रशेखर आजाद बने हुए थे, चंद्रशेखर आजाद करेक्ट करना चाहूंगी रवि जी को, क्योंकि ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो शब्दों से शायद दूर पैसे में ज्यादा, तो ये कहना चाह रहे थे कि आपने जो भी रंगमंच पे जो भी भूमिका निभाई है, वो या तो एक विपक्षी के तौर पर, एक मजबूत विपक्षी के तौर पर आप आए हैं, और अगर आप पक्ष में भी रहे हैं तो बहुत गुस्से वाली एक डोमिनेटिंग इमेज चेहरे पर, जहां आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक ऐसा एंगर झलकता है कि आप सामने हीरो के ऊपर हावी हो जाते हैं, आप जो पक्ष है उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, तो शायद मुझे सर आप बैट भी ऐसे पकड़ते थे, आपने जो बैट भी पकड़ा हुआ था वो ऐसे पकड़ते थे लगान में, कि मेरे को लगता था कि ये इस बार अगर बॉल इस बैट पे लग गई तो लिटरली आई वाज फीलिंग दैट, वो मेरे को दिखता था कि इस बार तो गई बाहर, एंड आई वाज लिविंग इन दैट फिल्म। मैं सर वो श्रोता बैठे हुए थे ना पीछे, ए भाई आप तीनों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ विष है तारीफ, इसको पचाना भी आना चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं आप लोग भाई, लेकिन आपको पचाना आता है सर, हमें पता है।
मैं रवि जी से चाहूंगी कि वो अपना प्रश्न जो है वो फिर से सर मैं आपकी कविताओं का फैन हो गया हूँ सर। मैं एक्चुअली मैं इतना पॉजिटिव विचार इतनी सकारात्मक सोच तो सॉरी मेरे कोई वर्ड्स आपको नेगेटिव लगे हो तो क्योंकि मेरा जो इमेज है आपके प्रति ना वो जैसा भाभी ने बताया ना कि ना एक गुस्से वाला एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर हर चीज में अपनी जो दबंग आवाज को लेके आता है वैसा करेक्टर रहा और उसके बाद में आप एकदम टोटली डिफरेंट कवि में एकदम ही डिफरेंट आवाज डिफरेंट सोच डिफरेंट विचार ये एक्चुअली पहले से था कि अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है ये सब भोलेनाथ आदि शक्ति भगवती मैं कुछ भी नहीं मैं दिख रहा हूं मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। मनुष्य को लगता है मैं फलना मैंने ये किया कुछ नहीं। अभी कोरोना काल में सबको पता चल गया कुछ नहीं कब किसकी खबर आ जाए कुछ पता नहीं जी, तो, जी। तो मेरा कुछ भी नहीं है सब भोलेनाथ आदि शक्ति भगवती है और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है मैं दिखता हूं। अब चूंकि शरीर का नाम अखिलेंद्र मिश्र है इस शरीर का नाम मेरा नाम नहीं है इस शरीर का नाम अखिलेंद्र मिश्र है इसलिए लोगों को लगता है इस जन्म में कि अखिलेंद्र ने लिखा शरीर बदलेगा नाम बदल जाएगा मैं वही हूं बोले और भगवती का भक्त सर कर्म याद रहते हैं सर जो भी कर्म किए थे वही याद रहते हैं सर कोई लोग का नाम नहीं कर्म जो है वही याद रहते हैं सर जी बहुत बेहतरीन जवाब सर थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू आप पे थैंक यू आप किताब पढ़िए रवि जी आप किताब पढ़िए बिल्कुल सर बिल्कुल लेके आऊंगा बिल्कुल सर अभी ये अमेज़न पे अमेज़न पे मिल रही है एक मिनट स्मृति जी देखिए मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर का और मैं सारे बंधनों को सारी फॉर्मेलिटीज को छोड़ के मैं आज अखिलेश जी से मैं पहली बार मुझे मौका मिल पा रहा है तो मैं आज बिल्कुल मैं फॉर्मल नहीं रहूंगा कि आप बात कर लीजिए सबसे पहले मैं पूछूंगा छोटे बच्चे की तरह मैं जिद कर सकता हूं मेरे को आज मेरे मतलब सर मैं आपसे आप अतिशयोक्ति मत समझिएगा सर हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ईश्वर का अंश होता है जैसे अभी आपने बताया कि चेतना से हम उस अंश को बढ़ा के और ब्रह्म के आसपास पहुंच जाते हैं हम उनके उनके नजदीक पहुंच जाते हैं तो सर आपने जो अभी कहा था कि ये विष है तो सर मैं मान के चलता हूं कि हम भोले का स्वरूप आप में देख पा रहे हैं और हमें पता है कि हमारा भी विष आप ग्रहण कर लेंगे तो हमें अंदाजा है कि आप हमारी मतलब अतिशयोक्ति मत समझिएगा ये हमारे दिल से निकलती आवाज है और सर आप समझ भी पा रहे होंगे क्योंकि जहां अतिशयोक्ति या कुछ भी बनावटी बात होती है बस आप तक पहुंच जाएगी क्योंकि आपकी चेतना उतनी है जागृत आप समझ सकते हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं हमारे कहीं से भी हमने इसके अंदर अतिशयोक्ति या ऊपर से बनावट नहीं करी। तो सर अभी अभी सीधा हम बात करेंगे सर आपने जो एक कविता जो आपकी है कर्म के ऊपर क्योंकि अभी रवि जी ने बोला था कि जो हम कर्म करते हैं वो दिखाई देते हैं तो आपने इसके ऊपर भी एक कविता लिखी थी कर्म। सर आपने अभी जिक्र भी किया आप शरीर की कि जो शरीर है इसका नाम अखिलेंद्र है सर कर्म शरीर ही कर रहा है तो सर आपको नहीं लगता कि जो कर्म है वो आपकी कविता में भी आपने बताया है कि विज्ञान के सिद्धांत जड़ के लिए है कर्म सिद्धांत चेतन के लिए है आपकी आपकी कविता के अंदर सर अगर मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूं आपकी कविताओं को क्योंकि सर आप वो गहराई में बहुत मुश्किल है मेरे को कम से कम वो हर शब्द के लिए एक अलग गहराई है उसकी तो वो चीज मैं जानना चाह रहा था सर कि जो कर्म है आपको सर मैं बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूं लोग बागों को ये भी लगेगा हमारे श्रोताओं को कि मैं आपको जैसे हम गॉडमैन से बात करते हैं हम उनसे अपने दिल की बात सर मेरे को आपने उस जगह पे पहुंचा दिया कि मैं आपसे एक गॉडमैन की तरह पूछ पा रहा हूं कि आपको मैं गॉडमैन मान के
हमारा ये कार्यक्रम जो है पुस्तक पे चर्चा, वो बिल्कुल अध्यात्म और धर्म और नियम के जो सिद्धांत है सृष्टि के, वहां पर पहुंचती जा रही है। यानी कि आपकी कविताओं का, आपके शब्दों का ही जो कहेंगे कि वो एक विशेषता है कि आपने मतलब आपसे बात करते हुए हम वहां पहुंच गए जहां सृष्टि की शुरुआत होती है। तो बहुत खूब अखिलेंद्र मिश्रा जी, मैं फिर से आपको बताई, एक खूबसूरत किताब, एक बेहतरीन किताब जो शायद आज की पीढ़ी को जरूर पढ़नी चाहिए। मैं बार बार बीच में आग्रह करती हूँ कि जरूर पढ़नी चाहिए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहूंगी, जो कि आपको लगता भी होगा विषय से थोड़ा इतर भी है, लेकिन ये कहा जाता है हमेशा कि कवि वही बनता है जो थोड़ा सा नरम होता है, सॉफ्ट होता है। अभी हमने बात की कि आप बहुत डोमिनेटिंग व्यक्तित्व रहे हैं, आपकी छवि चाहे आपके किरदारों में देखे चाहे आपकी लेखनी में देखे, बहुत ज्यादा उभर के आती है और दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती है। लेकिन कवि हमेशा कहा जाता है कि वही बनता है जिसने या तो उस संवेदनशीलता को छुआ हो, यानी कि मैं थोड़ा सा उधर लेकर जाना चाहूंगी, प्यार में धोखा खाया हो या प्यार में कहीं, तो वो शब्दों की बाजीगरी वो सीखता है। तो आप विज्ञान के छात्र होने के बाद थिएटर में आए, थिएटर के बाद आपने अब जब लेखनी उठाई, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये कहीं ना कहीं कहीं कोई पुरानी किस्सा, कोई पुराना जुड़ाव ऐसा तो नहीं है जिसने आपको अब कोरोना काल में कवि बनने पर मजबूर किया हो? मैं थोड़ा सरल, एक जन्मों की बात नहीं है, जन्मों की बात है, कई जन्म से चला आ रहा है, अभी जागृत हुआ है। अरे वाह। हर मनुष्य की एक खास उम्र होती है, उस उम्र में आते आते उसकी बहुत सारी चीजें जो सुप्त अवस्था में सोई हुई है, अंदर की शक्तियां उस समय आने पे वो जागृत हो जाती हैं। अचानक लोगों को भी लगता है, यार ये क्या कर रहा है, ये तो ऐसा नहीं था, ये तो सुधर गया, ये तो मंदिर जाने लगा, ये तो सत्संग कर रहा है, ये तो लिख रहा है, अरे अचानक ये बड़ा अच्छा एक्टिंग करने लगा, यार अच्छा डायलॉग बोल रहा है आजकल, अरे यार ये तो पॉलिटिशियन ऐसा नहीं था, ये तो अच्छा पॉलिटिशियन हो गया। क्या होता है, जागरण होता है मनुष्य के भीतर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारी भीतर ही पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, हम ही आंख बंद करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल उन शक्तियों को जागृत करना है, और समय आने पे वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो ये कई जन्मों का है, वो जागृत हो गया, समय मिला। देखिए, लेखन के लिए चित्त का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। चित्त जब तक एकाग्र नहीं का, चित्त एकाग्र का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, थोड़ा सा और आप लोगों को अंदर ले चलता हूं। जो अंतःकरण है वो चार है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार हैं। मन जो है ऊपरी लेयर है, मन, ये जो ब्रेन है, जो मशीन है, ये जो मस्तिष्क है, मन जो है ऊपरी लेयर है, मन केवल विचार लेके आता है। अरे इसमें स्मृति जी ऐसी हैं, अच्छा रवि जी ने ये पूछ लिया, ओ और अमित जी बड़े हाल भले लग रहे हैं। अब इस तरह का विचार आया मन में विचार आया, और हम क्या करते हैं, उस विचार के हिसाब से ही अपना व्यवहार शुरू कर देते हैं। लेकिन मन से सूक्ष्म बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि तक अपने विचार को पहुंचने नहीं देता। जब विचार बुद्धि तक अगर पहुंच जाएगा, आप पहुंचाने लगिएगा, तो इस विचार को बुद्धि देखता है, उसका विश्लेषण करता है, तब पता चलेगा, अरे यार इन तीनों में अच्छी तो स्मृति जी हैं, अमित जी तो बड़ा खड़ूस लग रहे हैं और रवि जी शांत हैं। अब ये बुद्धि का विश्लेषण, उस विचार का बुद्धि ने विश्लेषण किया, और बुद्धि विश्लेषण करके चित्त की तरफ धकेल देता है। मन
मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त, चित्त की तरफ धकेल देता है और चित्त जो है उसका प्रयोग करता है। चित्त जब उसका प्रयोग करता है तो इस सृष्टि से जुड़ जाता है। चित्त, चित्त का जब प्रयोग होता है तो मनुष्य इस चित्त सृष्टि से जुड़ जाता है और आत्मा उस प्रयोग का अनुभव करती है। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। मैं माफी चाहूंगा, आप तीनों का एग्जाम्पल दे दिया हूँ, तीनों ही सामने बैठे हैं, नहीं तो मैं किसी भी ABCD का करता कि भाई वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्टीमेटली मुझे अच्छा बताया गया तो मैं अपने आप को इन दोनों से सुपीरियर समझ रही हूँ इस टाइम पर। और सर सबसे बड़ी चीज है, बढ़ाई किसने करी है? सर आपने बढ़ाई करी है। आप तो आप अगर किसी नहीं, को नहीं 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 नहीं, ये बढ़ाई नहीं था, ये तो उदाहरण था भाई। सर थोड़ी देर को कुछ लेने दीजिए। आप अगर किसी को डांट भी देंगे ना तो सामने वाला जाके ये बताएगा, अरे मुझे अखिलेंद्र जी ने डांटा था, तब डांटा था। ये भी एक उसके लिए एक उपलब्धि है। आपने तो बढ़ाई कर दी। आप सोचिए उनके लिए, हमारे लिए क्या है। सर उदाहरणों में, आपके उदाहरणों में शामिल होना अपने आप में मेरे लिए एक अचीवमेंट है और हमेशा मैं इसको अपनी मेमोरी में, अपनी स्मृति में संजो कर रखूंगी। जैसे आप एक व्यक्तित्व के तौर पर रहते हैं, आपके द्वारा दिया गया ये उदाहरण जो है वो हमेशा मेरी स्मृति में रहेगा। जी अमित जी पूछिए। सर सर आप एक, आप बिहार में आपका जन्म हुआ, बिहार में। अब सर आज की तारीख में अगर हम देखें, सर मैं आपकी कविता का ही जिक्र इसमें बीच में लाने वाला हूं। भोजपुरी, भोजपुरी गीतों के बारे में, भोजपुरी पिक्चरों के बारे में जिक्र आते ही आज एक अलग ही हमारे सामने एक जो चित्रण बनता है वो अलग तरीके का होता है। आपको इसमें दुख हुआ, आपने एक गीत करके भोजपुरी में लिखी गई आपकी कविता भोज, उसमें उसमें इसकी दुर्दशा के बारे में आपने बात करी। सर मैं जानना चाहूंगा, लोगों को ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट में भोजपुरी क्या है। तो सर एक छोटा सा पार्ट, कुछ भी ऐसा जो कि आपको लगता है कि भोजपुरी के साथ जहाँ अन्याय हुआ है, भोजपुरी भाषा के साथ जहाँ अन्याय हुआ। नहीं, इतना किसी में दम नहीं है कि किसी भाषा पे अन्याय कर दे और वो भी भोजपुरी पर, इतना दम नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि आपने जिक्र किया भोजपुरी सिनेमा का, उनके गीतों का, कारण ये है कि जब क्रिएटिविटी में, भोजपुरी क्यों, हिंदी सिनेमा की बात कर लीजिए, अगर आप क्रिएटिविटी में अगर व्यापारी आ जाएंगे जो क्रिएटिविटी को व्यापार समझ लेंगे तो ऐसे ही दुर्दशा होगी। मुंशी प्रेमचंद की पहली फिल्म थी मिल मजदूर, अजंता मूवी आर्ट ने बनाई थी। एक ही फिल्म जीवन में उन्होंने लिखी, बाद में उनकी कहानियों पे कई फिल्में बनी हैं, लेकिन उन्होंने मुंबई आके फिल्मों में जब आए थे तो 1934 में एक ही फिल्म लिखी, मिल मजदूर। उस समय मुंबई जो था, तब का बंबई, आज का मुंबई, बंबई टेक्सटाइल का हब हुआ करता था। इतनी मिल थे, इतने मिल थे, इतनी फैक्ट्रियां थी कपड़े बनाने की। फिल्म का प्रभाव ये था कि मिल मजदूरों का हड़ताल हो गया। मिल मालिकों का, देखिए मिल मालिक, ये है साहित्य, साहित्य और सिनेमा का मेल का मैं पावर बता रहा हूं। मिल मालिकों की जो संस्था थी, उस संस्था का जो हेड थे वो सेंसर बोर्ड के मेंबर थे। उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ भाई, सिनेमा का ऐसा प्रभाव, क्या सिनेमा है ये कि मिलों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने सेंसर बोर्ड को कह के फिल्म को उतरवा दिया के? उतरवा दिया। उसके बाद उसको काट छाट किया गया,
अब चूंकि उस जमाने में थोड़े पैसे तो लगते ही थे, उस जमाने में पैसे की बहुत कीमत थी जी, आज तो जी, करोड़ों अरबों रुपया का नाम ऐसे लेते हैं जैसे कि पान खा के थूक रहे हो जी, है? जी है, जी बिल्कुल। उस जमाने में जो भी पैसा लगता था उसका बहुत महत्व था। अब अजंता मूवी टोन का जो था वो पैसा लगा था, वो तो उन्होंने दोबारा काट छांट सेंसर के हिसाब से, सेठ की बेटी नाम से फिल्म रिलीज की, पहले मिल मजदूर उसके बाद सेठ की बेटी, पता चला फिर फिल्म को उतार दी गई, फिल्म फिर उतर गई, बहुत हालत खराब हुई। मुंशी प्रेमचंद ये सारे दुर्दशा देख रहे थे, उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने इलाहाबाद में अपने दोस्तों को, तबका इलाहाबाद आज का प्रयागराज, चिट्ठी लिखी कि सिनेमा अब व्यापार हो गया है जी, व्यापारियों के हाथ में है, है इनका काम केवल मुनाफा कमाना है, सिनेमा बनाना नहीं जी जी। उसके बाद तीसरी बार दया की देवी नाम से फिल्म फिर रिलीज हुई काट छांट करके। प्रोडक्शन हाउस क्या करे, प्रोड्यूसर क्या करे, उसका पैसा लगा हुआ है जी जी। अब पैसा लगा हुआ है तो अभी क्या हो, तो से दया की देवी नाम से फिल्म रिलीज हुई, फाइनली फिल्म कोई देखने नहीं गया, फिल्म पुरानी हो चुकी थी जी। तो ये था फिल्म का प्रभाव एक साहित्यकार ने, और उस समय जब मुंशी प्रेमचंद वापस लौट गए, वो उदास हो गए, लौट गए यहां से, और उन्होंने लिखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत उनका एक लेख है सिनेमा और साहित्य करके। उस लेख में उन्होंने लिखा है कि सिनेमा और साहित्य, सिनेमा का काम है मुनाफा कमाना जी, जी। और साहित्य का काम है सौंदर्य बढ़ाना जी, सौंदर्य स्थापित करना जी। और वो चले गए वापस, लौटे नहीं। तो ये आज से नहीं हो रहा है, तब से हो रहा है जी जी, तब से जी। उसके बाद उपेंद्रनाथ अश्क आए, वो प्रेमचंद के ही समकक्ष थे जी जी, वो जी। भी बहुत बड़े साहित्यकार थे, वो आके थोड़े दिन टिके, के थोड़ा ढंग से देखा फिल्म इंडस्ट्री को, और उसके बाद उन्होंने एक नाटक लिखी, नाटक का नाम था मश्केबाजों का शहर। अच्छा, शीर्षक देखिए, शीर्षक क्या है, मश्केबाजों का शहर, मश्केबाजों का शहर जी। और उन्होंने सिनेमा इंडस्ट्री का पूरा वर्णन किया जी। तो जब जब क्रिएटिविटी में, जब सृजन में व्यापारी घुस जाए तो यही हालत होता है जी। हिंदी सिनेमा में तो ऐसा ही हो गया है, दो चार फिल्मों को छोड़ के भोजपुरी की हालत तो हो ही गई है जी। तो ये जब व्यापारी आ जाएंगे जिसको सिनेमा का नॉलेज नहीं है, जिसको साहित्य से कोई संबंध नहीं है, साहित्य जानते ही नहीं है किस क्रिया का नाम है, पढ़ना ही नहीं है, जब अपने बारे में नहीं जानते तो दूसरे को क्या दिखाना है, क्या मालूम। लेकिन मकसद है पैसा कमाना, कमा रहे हैं कुछ, हाँ, भी बना रहे हैं, चाहे वो समाज के प्रति कोई दायित्व तो नहीं है जी,